आ गया ना बेटा, चलो थैंक यू। हाँ तो ये हो गया यहाँ पर ये कंडीशन। तो यहाँ पर अपने पास व्हेन ए एंड बी मीट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी हो जाएगी बेटा? आप मान के चलो गले मिल रहे हो आप लोग, जैसे ईद के टाइम मिलता है, तो दोनों के बीच में की डिस्टेंस क्या होती है? जीरो ना। यस सो यानी डिस्टेंस ऑफ योर ए विथ रेस्पेक्ट टू योर बी कितनी हो गई? जीरो। जीरो वी कैन यूज अ काइनेमेटिक इक्वेशन, रिलेटिव रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू योर ए, और बी विद रेस्पेक्ट ए मैं इससे भी लिख सकता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए विल आल्सो विल बी इक्वल टू योर जीरो। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख लेता हूं, जीरो, और आई कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू योर ए इज आल्सो बी इक्वल टू जीरो। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इनटू टी प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू योर ए इनटू योर टी स्क्वायर। तो ये हो गया जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना है यहाँ पर? ये है माइनस यू इनटू प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना है? ये इनटू योर टी स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा बेटा, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, यू इंटू टी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ये टी और ये स्क्वायर चले गया तो इसमें से मुझे टाइम आ जाएगा। सो टाइम कितना है बेटा? टी इज इक्वल्स टू योर टू यू बाई यू ए। अगर प्रॉब्लम पूछा है व्हाट टाइम दे विल बी मीटिंग, मतलब टी मस्ट बी इक्वल टू टी इज इक्वल्स टू टू यू बाई योर। लेकिन पूछ क्या रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच? रिलेटिव U is equals वेलोसिटी, to हाँ तो रिलेटिव वेलोसिटी A T by 2. बी विद रेस्पेक्ट टू ए मतलब रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस U एक्सेलरेशन is ऑफ बी equals विद A by रेस्पेक्ट टू 2. योर ए इनटू योर टाइम टी इन टर्म्स ऑफ योर टी। तो ये हो गया कितना? इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू प्लस ये हो गया ए इनटू टाइम कितना है? टू यू बाय योर ए। तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस वन इज माइनस यू प्लस दिस वन इज योर टू यू। तो आंसर कितना आ गया? माइनस यू, यानी रेडियो जीरो वेलोसिटी बी विद रेस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? माइनस यू। माइनस क्लियर जीरो है? यस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, सो प्लीज ट्राई टू गिव योर कंसंट्रेशन। थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट मॉडल, आप लोग इसको 1 से 2 बार जरा अच्छी तरह से पढ़ो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन, सो दिस वन इज ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा। From a balloon rising vertically upwards at 5 meter per second, a stone is being thrown up at 10 meter per second. Relative to the balloon, its velocity with respect to the ground after 2 seconds is, assuming g is equals to 10 meter per second square. Question अच्छी तरह से पढ़ो फिर से एक बार। Question देखो क्या बोला? From a balloon rising vertically upwards at 5 meter per second. So velocity of your balloon in upward direction 5 meter per second. Stone is being thrown up एट 10 मीटर पर सेकेंड, यानी स्टोन को हम लोग ने ऊपर फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव टू द बलून इट्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स पूछ रहा है। इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दिस ऑल्सो गुड क्वेश्चन। चलो फोर्थ वन देख लेते हैं क्या होता है। हाँ बेटा कहाँ पर बेटा? इन छोटे टर्म में से बड़े टर्म को निकाल रहे हैं ना बेटा? नेगेटिव छोटे में से बड़ा को निकालोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना, है कि नहीं? चलो अब ये देखो बेटा, ये मेरे पास एक बैलून है फ्रॉम द ग्राउंड, ये बैलून है, इस बैलून के अंदर कोई बैठा हुआ है एंड इट इज रेजिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें से कोई पर्सन जो बैठा हुआ है, ही इज बीन थ्रोइंग ए स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो इन द अपवर्ड, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बैलून विद दिस नथिंग बट व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द स्टोन यूवी इज नथिंग बट ऑफ योर वेलोसिटी ऑफ योर स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बैलून। विद रेस्पेक्ट टू क्या है बेटा? बैलून। यानी वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बैलून विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बैलून प्लस वेलोसिटी ऑफ योर बैलून। वीएस इज नथिंग बट व्हाट बेटा? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। वेलोसिटी वीबी इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ बैलून विद रेस्पेक्ट टू योर अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितना आया जल्दी से बताओ? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू बैलून कितनी वेलोसिटी से फेंका ऊपर?
देखो, सो स्टोन इज बीन थ्रोन अप विद व्हाट वेलोसिटी बेटा? सो 10 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी बलून इज बीन राइजिंग अप विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. यानी वेलोसिटी ऑफ बलून है मेरे पास 5, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बलून है 10. तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी स्टोन इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड. आया सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इजंट इट? अब पूछ क्या रहा है बेसिकली? वेलोसिटी ऑफ दैट वन, यानी ही इज आस्किंग राइट नाउ फॉर मी इन द प्रॉब्लम. सो its velocity with respect to ground after time t is equals to 2 seconds will be equal to how much? So after t is equals to 2 seconds, what is the kinematic equation I can use beta? V is equals to u plus of a into plus at. Yeah, u initial velocity. So kosi direction mein ja raha hai beta? Velocity, this is the relative velocity of the stone. In which direction? Minus. So ye ho jayega minus 15 meter per second प्लस, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, टाइम कितना है 20. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 15 प्लस ये हो जाएगा 20. छोटे में से बड़े को निकाल रहे तो आपका आंसर ऑब्वियसली किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव आएगा? माइनस 5. माइनस इंडिकेट्स दैट व्हाट? इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इसका आंसर क्या हो गया आप लोग? तो 0, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड. डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो डायरेक्टली आई कैन टेक द आंसर एज ऑफ योर बी. सो बी इज योर आंसर फॉर दिस. ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू योर 5 मीटर पर सेकंड. क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर. या इनिशियल वेलोसिटी सर माइनस 15 क्यों ले रहे सर? क्या बेटा? माइनस 15 क्यों ले रहे सर? कंडीशन देखो ना बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है? दिस इज अ रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. यू आर प्रोजेक्टिंग द बॉडी ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा ना. सो यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पर. ओके सर. ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम लोग ने माइनस ले लिया. जी वैल्यू इज ऑलवेज बिकॉज़ दिस हैज बीन थ्रोन समवेयर फ्रॉम द ग्राउंड. ये मेरा रेफरेंस है ना बेटा, यहाँ से आपने फेंका. इसके ऊपर जो जा रहा है पॉजिटिव, इसके नीचे जो जा रहा है नेगेटिव. साइन कन्वेंशन मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया था. देखो बेटा, ये मेरा रेफरेंस है, जहां से आपने स्टोन को फेंका वो मेरा रेफरेंस है. तो यहाँ पर जो भी डायरेक्शन में जा रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है ना, रेफरेंस के ऊपर है. तो अब ये बॉडी ऊपर जाके क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट होकर नीचे आ रही है. वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग द इनिशियल वेलोसिटी टू बी अ नेगेटिव. When the body is being thrown off, acceleration due to gravity will be equal to your positive. So, ये value हो जाएगी plus. So, that is the reason I am writing for me 5 meter per second. Clear है? Yes. बंद कर लेते हैं जल्दी से. Question number 5. The value is positive now. कौन सा बेटा? 20 is more than 15. समझ में नहीं आया. Last step बोल रहे सर ने. Minus 15 plus 20 वाला. हाँ, sorry, plus 15 होगा. Sorry. This one is plus 15. मैं 15 समझ रहा हूँ, minus 90 कहीं नहीं होगा. चलो, this will be a 15, 5 meter per second. चलो, next one देखो बेटा जल्दी से. A man is 45 meters behind the bus when the bus starts accelerating from the rest with acceleration 2.5 meter per second square. With what minimum velocity should the man starts running to catch the bus? This is also very, very, very important model. क्या पूछ रहा? Minimum velocity. Maximum, minimum याद है आप लोगों किसी को? कंडीशन क्या है फॉर मैक्सिमा मिनिमा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. तो मैं यहाँ पर छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ. छोड़ो, फॉर मैक्सिमा कभी भी बोल रहा है, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, आर मिनिमा, आर मिनिमा डी यू बाय यूवर डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो. दिस इज अ कंडीशन, इसको याद रखना है. ओके, बीपीसी बच्चे डायरेक्टली इसको याद रख लो. सो कभी भी मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है तो कंडीशन क्या है बेटा? डी यू बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. यहाँ वाई भी लिख सकते हो, बिकॉज इफ आई एम टेकिंग वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ योर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो. ये कंडीशन. अब ये क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से. ए मैन इज 45 मीटर्स बिहाइंड द बस. तो पहले कंडीशन ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये हो गया मेरा ग्राउंड और ये हो गई बस. एंड ए मैन इज 45 मीटर्स बिहाइंड द बस. ये हो गया दोनों के बीच में की डिस्टेंस 45 मीटर्स.
उसके बाद उसने क्या बोला, मैन इज 45 मीटर्स बिहाइंड द बस व्हेन द बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 2.5। तो इसकी एक्सेलरेशन आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर बस 2.5 मीटर्स। विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द मैन स्टार्ट्स रनिंग टू कैच द बस। सो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। सो वी मिनिमम इज इक्वल्स टू हाउ मच। दैट इज आल्सो वेरी 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 गुड एंड इंपॉर्टेंट मॉडल बेटा। इसको भी हम लोग याद रखना है कंडीशन। सो मैन विल कैच द बस व्हेन ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच बेटा, 45 मीटर्स, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इजंट इट। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितनी हो जाएगी, u। तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ योर मैन विद रिस्पेक्ट टू योर What do you call that one? बस जो भी ले रहे हैं बेसिकली। तो कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो मैन विल कैच द बस व्हेन ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच बेटा, 45 मीटर्स। इतना डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर कवर कर रहा है, देन आई कैन कैलकुलेट दिस रिलेशन। देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू योर बस कितना हो जाएगा, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन। ये पॉजिटिव है तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। That will be equal to minus of 2.5 meter per second square. बताओ क्यों? बताओ क्यों? ये minus क्यों है? कोई बता सकता है क्या? Opposite. हाँ, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं ना मेरा, velocity of man with respect to bus means acceleration of man minus acceleration of bus. Initial acceleration of the man कितनी है बेटा? Zero. तो हो गया acceleration of your bus minus. तो acceleration of the man with respect to your bus. Acceleration of man with respect to bus will be equal to your how much? Will be equal to how much for me? कितना आ रहा? Acceleration of the man with respect to bus will be equal to minus of minus acceleration 2.5. of your bus. आया सभी को? तो इसलिए मैंने यहाँ पर minus 2.5 लिख लिया था basically. Clear है? So velocity of man with respect to bus कितनी है? Velocity of man with respect to bus is equal to, मान के चलो u है, तो I can use the relation right now for me. What distance I can use the relation? S is equals to u into t plus half into a into t square. कितना displacement travel करना चाहिए? 45. That is equals to u into t. Acceleration negative है, so minus of half into a हो गया 2.5 into time. That is nothing but t square. ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा देखो बेटा? Initial velocity of this particular relation right now for me. तो ये कितना हो जाएगा कोई बता सकता है? ऑल द टी टर्म्स अगर एक जगह ले लो मैं बेसिकली, तो कितना आ रहा है देखो, यू को बाहर निकालो, यू को अगर मैं बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 45 प्लस ये हो जाएगा हाफ इंटू 2.5 इंटू योर टी स्क्वायर। इसमें से टी स्क्वायर में से टी निकाल दो तो ये बन जाएगा मेरे को कितना देखो, 45 प्लाई टी, ये यू इंटू टी है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक स्टेप लिख लेता हूँ बेसिकली। सो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय टी प्लस ये हो जाएगा 1.25 इनटू टी, दैट इज इक्वल्स टू यू। आया सभी को? यस। ये यू इनटू टी मैंने बाहर निकाला तो टी इधर आ जाएगा तो इसका टी स्क्वायर है। 2.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा देखो, 1.25। आया सभी को? यस सर। या डिटेल पे यहां का स्टेप भी लिखूं एक बार? यहां लिख देता हूं। क्लियर नहीं है? ओके चलो ठीक है। ओके चलो, 45 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1.25 इनटू टी इज इक्वल्स टू योर यू पार्ट। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन क्या है बेटा, डी यू बाय यूवर, यहां पर यू इज द फंक्शन ऑफ टाइम। सो डी यू बाय डी टी कितना होना चाहिए, जीरो। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ यूवर, 45 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1.25 इनटू योर टी डिवाइडेड बाय योर डीटी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 45 में से, इसमें से 45 कांस्टेंट है बाहर निकालो, सो दिस इज 45 इनटू योर, ये हो गया डी, टी पावर ऊपर चले जाएगा तो टी पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय डीटी हो जाएगा ये, प्लस इसमें से 1.25 को बाहर निकालो एंड दिस इज योर डीटी बाय योर डीटी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? Isn't it? तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 1 है यहाँ पर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी पावर माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1 है ना, सॉरी पहले
आंसर इज माइनस वन टू द पावर ऑफ माइनस वन माइनस वन, हो जाएगा माइनस टी टू द पावर ऑफ माइनस टू, तो हो जाएगा माइनस वन बाई टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन भूल गए फिर से, आया हाँ, तो कितना आ जाएगा माइनस 45 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आएगा, तो मैंने नंबर माइनस टी को नीचे निकाल लिया, तो इट इज वन माइनस ऑफ टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई सभी को प्लस 1.25 दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये डीटी डीटी कैंसिल हो गए हैं, अब इसको सिंपलीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा देखो माइनस ऑफ 45 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1.25, ये माइनस चले गया, सो 45 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125, मतलब कितना बता 125 डिवाइडेड है पॉइंट के बाद कितने जीरो से, टू जीरो से, तो डिवाइडेड बाय 100, तो टी स्क्वायर निकालो अब इसमें से कितना आ रहा, देखो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो ये कितना आ रहा कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड, दिस विल बी इक्वल टू 36, यानी टी स्क्वायर 36 मतलब टी कितना, 6 seconds, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? वेरी गुड क्वेश्चन है, एक से दो बार इसको आप लोग कंपलसरी प्रैक्टिस करना है, देन ओनली यू कैन एबल टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू। सो डी फिफ्थ वन को आप लोग कितने बार करना है, दो तीन बार, एक बार ट्राई करो आप लोग, एक से दो बार करो, टाइम लग रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल के दिन फिर मैक्सिमम मिनिमम का कोई प्रॉब्लम आया तो आप लोग डर विदाउट एनी फियर यू शुड एबल टू डू। ये तो प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ आपको, असाइनमेंट फिर मैं भेज दूंगा, वो भी आप लोग ट्राई कर लो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। Two trains, each 50 meters long, are traveling in opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing will be equal to your how much? अब दोनों trains कौन सी direction में जा रहे हैं बेटा? Opposite. With what minimum velocity should the man starts running? Second, first, fifth question में क्या पूछ रहा है? Minimum velocity पूछ रहा है ना बेटा? तो velocity तो हम लोग ने निकाला ही नहीं, time निकाल लिया था, तो time के बाद velocity कैसे निकालोगे बेटा? Velocity का formula कहाँ पर है अपने पास? ये है ना? इसमें डाल दो, इस वैल्यू में डाल देना, कर लोगे ना? कितना था वो 45 डिवाइडेड बाय कितना है? 45 डिवाइडेड बाय कहाँ गया वो? हाँ 45 डिवाइडेड बाय टी, 45 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1.25 इनटू टी इज इक्वल टू यू, यानी ये हो गया 45 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टी इज नथिंग बट 6 दैट इज इक्वल टू यू, ठीक है ना? सो 125 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 6 इसको सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द यू, यू कितना आ रहा देख लो जल्दी से। U कितना आ रहा देख लो, 15 आया, 15 है, ओके 15 मीटर पर सेकंड, ये कैलकुलेशन कर लोगे ना आप लोग? यस सर, ओके यस सर 15, चलो वेरी गुड। सिक्स्थ वन देखो बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था जल्दी से देख लो एक बार। टू ट्रेन्स ईच ऑफ 50 मीटर्स लॉन्ग आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Relative velocity will be opposite direction में, positive की negative? Negative. Same direction में positive, negative. Opposite direction में positive. तो ये हो जाएगा 10 plus 15. तो ये कितना हो गया? 25. तो time कैसे निकालोगे? Time t is equals to total length divided by total length of the train divided by relative velocity. डायरेक्शन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, a train B is moving with 30 meter per second in the opposite direction and 130 meter length crosses the first train in how much time part of relation? ये भी उतना ही। अब total distance बोलो बेटा कितना होगा?
120 meter long train is moving in a direction with a speed of 20 meter per second. A train B moving with 30 meter per second in opposite direction and 130 meter long crosses it. Crosses it मतलब क्या? दोनों एक को एक cross कर चुके हैं. ये train ऐसा जा रही थी, ये train इसको ऐसा cross कर रही है, इसको ऐसा cross कर रही है. यानी दोनों के बीच में की distance कितनी है? एक की distance कितनी है बेटा? 120. और का length कितना है? 130. यानी दोनों के बीच में की total distance कितनी हो गई? 130 plus of your 120. 250 is the total. रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था और ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 30 माइनस दिस इज माइनस ऑफ 20, तो ये हो गया कितना? 50 मीटर पर सेकंड. क्लियर है? तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. 250 डिवाइडेड बाय 50, ये चलेगा, ये चलेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 5 सेकंड्स. आ गया समझ में? सेकंड्स, यस. क्लियर है? चलो वेरी गुड. अब बाकी के वैसे ही है बेटा, थोड़ा आप लोग ट्राई कर लो, ये दो तीन क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन भी आप लोग एक बार ट्राई करो, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ. दो तीन क्वेश्चन बच्चे हैं, आप लोग पहले अपना दिमाग लाके करो, नहीं हुआ तो फिर कल के क्लास में मैं आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है? आज रिलेटिव वेलोसिटी खत्म करो, ये भी असाइनमेंट में आपको, और एक असाइनमेंट आप लोग को भी भेज रहा हूँ, वो दो असाइनमेंट्स आप खत्म कर लो. टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद योर वेक्टर्स पार्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है? ओके. इतने बच्चे हैं यार आज, ठीक है, चलो रखो, बाय बेटा. यस सर, थैंक यू सर, बाय बेटा.